खबर है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया का झारखंड दौरा होने वाला है। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया का स्वागत किया है। दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हुए दिलीप सैकिया, पार्टी में अधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ वो मंथन करेंगे। तो दिलीप सैकिया जो कि प्रभारी है वो दो दिनों के दौरे पर आए हुए हैं, दो दिनों का उनका दौरा होने वाला है। तो इस दौरे पर वो पहुंच गए और कई तरीके से मंथन करेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो बीजेपी लगातार मुखर होते हुए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश में और इसी कड़ी में लगातार बैठकें हुई और अब प्रभारी की मौजूदगी में मंथन किया जाएगा विभिन्न मुद्दों को लेकर। पिछली बार भी आए थे तो वो कुछ टिप्स देकर गए थे और अब वो फिर से झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ होगा, क्या किस तरह कार्यक्रम होने वाले हैं, ये हम जानकारी लेंगे कि इन दो दिनों के दौरे पर क्या क्या होगा, कैसे कैसे बैठक होगी। हमसे ज़रूर करते हमारे सहयोगी राजेश का, जो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है इस दौरे पर, दिलीप सैकिया का क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है, कितनी बैठकें और कैसी कैसी बैठकें करेंगे वो? देखिए, फिलहाल वो यहाँ आपके बोकारो के लिए रवाना हो गए। बोकारो और धनबाद में संगोष्ठी है। जैसा कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक 20 दिनों का सेवा और समर्पण कार्यक्रम बीजेपी चला रही है। ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कड़ी में कई एक कार्यक्रम है, अलग अलग स्वरूप में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं संगोष्ठी हो रही है, कहीं झूल थैला वितरण हो रहा है, कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के कार्यक्रम हो रहे हैं। दिलीप सैकिया दो दिवसीय प्रवास पर आए हैं और वे संगोष्ठी में शिरकत करेंगे। आज बोकारो में संगोष्ठी है, उसमें शामिल होंगे। उसके बाद धनबाद वो चले जाएंगे, वहां रात्रि विश्राम करेंगे और कल फिर वहां भी एक कार्यक्रम है और इस दौरान वे मंडल के किसी एक कार्यक्रम में भी शिरकत होंगे। ये पार्टी के स्तर से जो कार्यक्रम बनाए गए हैं किसी किसी मंडल में जाके करते हैं और वहां पर जाकर वो सेवा भाव कार्यक्रम जो है इनका, हमारी बात वही उनसे, उनका कहना है कि 20 दिनों के इस कार्यक्रम में कई छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो इसी कड़ी में उनका यहाँ आना हुआ है। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर प्रभारी कार्य का मतलब होता है कि चीजों को व्यवस्थित करना, रणनीति बनाना और आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है वो सब कुछ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।